गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सर गुड आफ्टरनून। या गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है। आज से हमारा डेली बुक रीडिंग वर्कशॉप ये अभी डेली कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अ सीवियर एक्यूट इमरजेंसी केस, डीप पैथोलॉजिकल केस। इसके पहले भी हमने केसेस देखे, लेकिन ये जो केस है बहुत ही सीवियर इमीडिएट इमरजेंसी, देन बहुत ही क्रिटिकल डीप पैथोलॉजी, इरिवर्सिबल पैथोलॉजी, जहां एलोपैथ ने हार्ट टेक दिए थे कि नहीं, अब इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, टोटली होपलेस केस। और खुद तो होपलेस हो ही गए और पेरेंट्स को भी बोल दिया कि कुछ करो मत। तो ऐसी ये बहुत ही एक्सलेंट केस आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको इस केस से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी डेयरिंग बढ़ेगा। बहुत ही एक्सलेंट केस है ये। जब सर को मैंने डॉक्टर विजयकर सर को ये केस दिखाया था, तो सर ने मुझे बोला कि ये केस तू बोले अपने कॉन्टेस्ट में इसे कॉन्फ्रेंस में इसे प्रेजेंट कर। तो सर ने इस केस को बहुत लाइक किया था, बहुत अच्छी केस है। जिस छोटी सी 11 मंथ की बच्ची जिसकी पूरी लाइफ तो बची गई है और सवर भी गई। तो केस ऑफ कोमा विथ कन्वर्जेंस विथ पायोजेनिक मेनिनजाइटिस, पायोजेनिक मेनिनजाइटिस, देन हाइड्रोसिफेलस विथ सबड्यूरल हाइग्रोमा। व्हाट इज सबड्यूरल हाइग्रोमा? क्या होता है सबड्यूरल हाइग्रोमा? कौन बताएगा सबड्यूरल हाइग्रोमा? सबड्यूरल हाइग्रोमा दैट इज एसडीजी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विदाउट ब्लड located under the dural membrane of the brain. So it is collection of, extra collection of CSF, that is the subdural hygroma with cerebral atrophy, with chronic renal failure, with ascites, with hepatomegaly, with hypoplastic anemia, with chronic osteomyelitis. तो इतना बड़ा डायग्नोसिस जो एलोपैथ ने करके रखा था, मतलब इतने सारे प्रॉब्लम एक नन्हे से छोटे से 11 मंथ के बेबी को। तो ये ऑटोमेटिक तो स्टार्ट नहीं हुए, एक के बाद एक प्रॉब्लम लेके गए तो दूसरा गिफ्ट में मिला, दूसरा लेके गए तो तीसरा गिफ्ट मिला। तो इस तरह से एक के बाद एक, एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए और उस छोटे से नन्हे से जान को इतना सारा झेलना पड़ा। दिस इज द डायग्नोसिस। A female baby named
Tejaswini of 11 months old was brought on hands by her father from the allopathic hospital to my clinic. The diagnosis made on the discharge card of allopathic hospital revealed patient was having complaint of unconsciousness due to pyogenic meningitis, hydrocephalus, subdural hygroma, cerebral atrophy with convulsions, chronic renal failure, and hypoplastic anemia. In addition, this patient was also suffering from chronic osteomyelitis. आप लोगों को स्क्रीन दिख रही थी ना? यस सर। I will show you the video. किती दिवसापासून? चार दिवस. स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा है? यस और नो? हाँ सर, फोटो दिख रहा है सर, वीडियो नहीं. जी मैं प्ले करता हूँ. जी सर. कितने दिन से पास में? चार दिन से. एडमिट कैसा टिकल होता? ये था जैसवाल कड़े अंदर तो अंतिला उल्टे ने संडस कवर होते हुए ऊपर सशक्त से कुमार टापन देते थे. त्यामुळे उनच्या डॉक्टरने दाखवलं आणलं होतं. त्यांनी इतके डोजेस दिले तिला त्या पाणी असे थेंब टाकू तिला एकदम झिटकेच लागलं. मग आम्ही सगळे सर कोणचं औषध होमिओपॅथिक त्या गोळ्याने दिलं. 4 डेज से उसकी ये कंडीशन है. धीरे धीरे वो डीप कोमा में गई. उसे लूज मोशंस हुए थे 4 दिन पहले. तो लूज मोशंस के लिए, लूज मोशंस एंड वोमिटिंग के लिए एक होम्योपैथ के पास उन्होंने, पेरेंट्स ने उसे लेके आए. तो उस होम्योपैथ ने उसे रिपीटेडली कुछ डोज दिए डायरेक्टली पानी में डाल के. रिकरेंट रिपीटेशन था डोजेस का और कंटिन्यूअस चेंजिंग ऑफ मेडिसिन था. थेरापेटिकली प्रिस्क्राइब किया था. तो उसके बाद वो अनकॉन्शियस होते गई. Then become severe. उसके बाद फिर उन्होंने पेडियाट्रिक के पास उसे रेफर किया. होम्योपैथिक लिक्विड डाला. त्याच्यानंतर काय झालं? मग तिथं म्हणजे असे ते म्हणत होते आता बरं वाटते ना घरी घेऊन जा. मग थोड्या वेळा तिथं बसलो म्हणजे औषध दिल्यानंतर मग ती अशी डोळा फिरू लागली. एकदम अशी झटके द्यायला लागली. दातकडी बसून फेसच गळला. एकदम बेहोश पडली. मग आम्ही इथं आलो. आल्यानंतर मग इथं गेलो पाकडे सरांकडे. त्यांनी मग इथं आयसीयू मध्ये सोनुनी हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं. तिथं मग आता 4 दिवस ऍडमिट होती. ऑक्सिजन होता तिला झटक्यासाठी. तसा तिचा आजार म्हणजे खूपच आहे तिला.
त्या सुस्तपणात काही फरक पडला का मग? नाही, जास्त झालं उलट. या ऍडमिट करायच्या आधी कमी होता, आता जास्त. थोडी पाहत होती, जास्त झोपत होती, पण एवढी सुस्त नव्हती. हिला लहानपणापासून काय काय झालंय? हिला 6 महिने काहीच नाही झालं, आम्ही डॉक्टरांकडे दाखवलंच नाही. म्हणजे तिला इंजेक्शन द्यायचं काम नाही पडलं. वजन व्यवस्थित 8.5 किलो होतं तिचं 7व्या महिने. म्हणजे दूध प्यायची, खेळायची, हसायची. अप टू 6 मंथ शी वॉज ऍब्सोल्युटली नॉर्मल. के बाद धीरे धीरे रडायची नाही, म्हणजे शांत झोपायचा काहीच त्रास नव्हता तिचा. जेव्हा दात निघतात 7व्या महिने तेव्हापासून तिला उलट्याचा त्रास झाला सुरुवातीला. असा ताप आला तर नगडे सरांकडे गेलं तर चांगलं झाला. उलट्या असं म्हणजे 15 दिवस एकसारख्या चालू राहिले. मग आम्ही काळे सरांकडे गेलो. त्यांनी म्हणजे लक्षात होतं तर सी टी स्कॅन करायला सांगितला. डोक्याचा आकार मोठा आहे, सी टी स्कॅन करा. मग आम्ही सी टी स्कॅन केलं. तिथं म्हणजे असे सी टी स्कॅनमध्ये तिला गुंगीचं औषध दिलं 5 तास. इतकी सून पडली, मग आम्ही घरी नेलं तिला. ताप होता तर मग तिने संडास उलट्या कमी झाल्या. संडासन लगेच बंद झाली तिची, पण पोटाचा आकार वाढत गेला. मग तिला आम्ही नरेंद्र राठीकडे आणलं. After 6 months, you say only vomiting and loose motions. थोड़े से गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम स्टार्ट हुए, तो उसके लिए उन्होंने पेडियाट्रिक के यहाँ उसे एडमिट किया. तो पेडियाट्रिक ने उसका सिटी स्कैन करवाया, क्योंकि हेड का सरकमफरेंस कुछ ज्यादा था, इसलिए फिर वो एडमिट करने के बाद लूज मोशंस वो स्टॉप हुए, फिर पेट का आकार बढ़ने लग गया. ओजन मध्ये 3 दिवस राहिली, तिची तब्येत खूपच जास्त झाली. त्यांनी ब्लड दिलं तिला. ब्लड दिल्यानंतर खूप सुस्त झाली. तिथं तिचं ब्लड टेस्ट केलं, पायात पूर्ण इन्फेक्शनच झालं. तिथून आम्ही पेडियाट्रिक के यहाँ ऍडमिट करणे के बाद फिर उन्होंने ओजोन, जो यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ICU है, वहाँ ऍडमिट किए. वहाँ ऍडमिट करने के बाद उसे ब्लड चढ़ाए बिकॉज ऑफ एनीमिया. उसके बाद उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हुआ. मेडिकल कॉलेज ला गेले. तिथे पायाचं इन्फेक्शन व्हायला किती दिवस झाले तिच्या? तिला 2 महिने. 2 महिने? 2 महिन्यापासून तिच्यात पस सुरू आहे. पसे छिद्र आहे का सध्याला? पाय टेकत नाही असं. पोटावर पण असं सूजन आली, म्हणजे काही खाल्लेलं नाही असं. चला बुडजो आपण, चला बुडचं ते नाही. चला चला उठ 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 चलते ना. तो लोक थंड असतं की गरम? गरम असत. थंडी वाजते की गरमी होते? तिला गरमी खूप होते. तहान? तहानही लागतो. आणि तापच खूप राहते तिला, म्हणजे 100-105 ताप राहते. सो दिस वॉज द केस. तो क्या आप लोगों ने देखा, क्या ऑब्जर्व किया? Yes, anybody? क्या देखा आप लोगों ने? स्लीप ओवर परफॉर्मिंग सर, अनकॉन्शियसनेस. यस, बट सेंसिटिव टू टच. उसके मदर ने जब उसके चेहरे से हाथ घुमाया तो थोड़ा सा श्रिक हुई. दैट इज सेंसिटिव टू टच. इन कोमा. Yes. Oh. Heart thirsty. Heart. Yes. Abdominal girth. Distended. Na? Abdominal distended. Na? Head large. Swelling on. Head. Forehead. Osteomyelitis. Ulcers on the legs. Unconscious from since 4 days.
आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, अब दिख रहे हैं? यस सर, यस सर। सो प्रेजेंट सिम्टम्स, अनकॉन्शियसनेस, फीवर विथ कन्वल्जन्स, ओमिटिंग एग्रेवेटेड आफ्टर ड्रिंकिंग और ईटिंग प्रायर टू कोमा, दिस वाज द सिम्टम कोमा में जाने के पहले। सो स्वेलिंग ऑन फोरहेड, वर्टेक्स व्हिच वाज स्मूथ एंड पाल्पेबल, swelling on both legs, ulcerative wounds on left leg with blood content per stitch, redness of vagina, weakness, tools were greenish black color. Now the development of her disease. Birth was full term normal delivery. बहुत अच्छी तरह से हिस्ट्री देखिए, ध्यान से सुनिए। बर्थ वॉज फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी, इन्फेंटाइल एज अप टू सिक्स मंथ वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल विथ नॉर्मल माइलस्टोन, और पेडियाट्रिक को पहले से पेशेंट पे, उस बेबी पे डाउट था कि ये कुछ तभी एबनॉर्मल है करके, क्योंकि पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि इसके हेड का सर्कमफेरेंस काफी बड़ा है, इसलिए उन्होंने सीटी स्कैन करवाया था। सो दे वाज ऑलवेज इन डाउट, बट माइलस्टोन वाज नॉर्मल। रूटीन वैक्सीनेशन सच एज पोलियो, बीसीजी वाज फॉलोड बाय फीवर एवरी टाइम, व्हिच वाज ट्रीटेड बाय एलोपैथिक ट्रीटमेंट लाइक एंटीपायरेटिक एंड एंटीबायोटिक ड्रग्स। At the age of 6 months, baby suffered from fever, hence again treated by same antipyretic and antibiotics. After this, severe vomiting and loose motions were seen, for which she was admitted to hospital. After treatment, loose motions stopped, but fever continued and swelling on head increased. Hence, lumbar puncture for CSF investigation and CT scan was undertaken, for which sedative was given to her. After this, she was gone in deep sedation up to 2 days. Itna jyada sedation use ho gaya. This was followed by stop of urine and stool, and abdominal distension was increased. To investigate the cause of this, USG was performed, which revealed hepatomegaly, bilateral medicorenal disease, and mild ascites was detected. No sound, sir. Blood investigations showed hypoplastic anemia, so blood transfusion was done. Then, small reddish eruptive rashes appeared on body with edema all over the body.
Actually, the patient was brought to the hospital for simple complaint of fever, vomiting, and loose motion. And the condition was deteriorating day by day with involvement of multi-system organs. In view for this, the hospital authority have taken decision to shift the patient to Nagpur, the higher station. The patient was shifted to Nagpur, but she was in coma at that time of admission. She was admitted there up to 3 weeks, and there was slight improvement in the condition. So, जब नागपुर में उसे admit किया, she was in unconscious state, and there she was admitted for near about 3 weeks, and 3 weeks में उसे only इतनी improvement हुई कि वो unconscious से conscious हुई, but her conscious level was increased. Edema decreased, however, fever and convulsions was still continuing. वहाँ पे उसका fever नहीं गया, fever was continuing with increased swelling on left leg extending up to thigh along with the red inflammation. Hence, needle puncture was made and pus discharge drained from that left leg. In spite of continuous effort to take out pus, fever could not subside. Because of this, they have diagnosed the condition as chronic osteomyelitis. Hence, the parents were suggested to take discharge and undertake regular dressing at home. So they brought baby at home after undertaking treatment for 3 weeks at Nagpur Hospital. Her condition was slight stable at home, but was febrile, 100 degree Fahrenheit daily. After 1 week, fever increased, vomiting started. So they brought that baby at Apollo to one of the homeopathic clinic, and the homeopath prescribed repeated doses of medicine on therapeutic basis. But fever and vomiting was increased and she started convulsions. So doctor did not take risk and referred to well-known pediatric doctor. Pediatric physician studied case paper of the patient and gave decision to her parents that patient is mentally retarded, and there is no use of treatment as this condition shall be remaining forever, and tried to avoid admission of patient at his hospital. But on the forceful request of parents, he admitted the patient. On admission, her treatment started, but on next day, symptoms such as high-grade fever, convulsions, vomiting with greenish black colored stool, and condition was not under control. So after admit, she become worse. The condition become worse. Subsequently, as time proceeded, she was becoming dull, and after 2 days, she became semi-comatose due to a
budding of new symptoms, new complications. Every now and then, the parents become totally desperate. Totally desperate. And they decided to ask the doctor about the final decision regarding health of patient or fate of patient. Yes. कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा, कंडीशन में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, इसलिए पेरेंट्स ने होप छोड़ दी और उन्होंने सोचा कि एक बार डिटेल में बात कर लेते डॉक्टर से कि इसमें कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, क्या करें। एक एक दिन कुछ नया लेके आ रहा है। सो बिकॉज they have already spent lot of money, now it was beyond their capacity to further treat the patient with additional investigations and medicines. The pediatric physician gave the final decision that there is a very little chance to save her life. The condition of patient was very serious and patient was facing multiple system involvement. In such cases, there is always risk of lifelong complications like any disability or mental retardation. This is the final decision, final opinion of that pediatric physician. So history given by her mother. Parents were farmer and she was the first offspring in their family, which was consisting of grandfather, grandmother and uncle. इतने लोगों की उनकी फैमिली थी। She was liked by every member of family and was comfortable with every member of family and also with any new persons, but was especially more comfortable with her grandfather. She used to enjoy riding on motorbike with her uncle. Up to the age of 6 months, she was very calm and quiet, never used to cry, very active, playing herself like thumb sucking, playing by her legs, smiling, etc. There was no trouble from her side, and hence it never felt that there is some child in the family. Very calm and quiet. So after finishing household duties, her mother was giving milk in spite of hunger. She never used to cry for want of milk. Very quiet disposition, but she was very alert while sleeping. She was very alert while sleeping. On any noise or trespassing of mother, she was awake. She was very sensible. She could able to learn instantly, such as tata, bye-bye, birds, lights, etc. In spite of 6 months of her age, she was able to utter few words also like mama, papa, etc. But she was having fear of dark and sometimes shrieking also. Sometimes she was suffering from constipation, which was so severe that stools were not passing
for 2 to 3 days, but she was feeling comfortable except passing of gases. Now, my observations, patient was in comatose condition. Patient was in comatose condition, very mild response to even powerful stimuli, large head circumference, soft palpable swelling on head, occipital region and forehead, abdomen distended, large in size, swelling on left leg with chronic ulcerative wounds and oozing reddish pus discharge, febrile condition, redness and swelling of on vagina, skin sensitive to touch, irritation seen on face, mouth open, eyes half open. Physical generals, she was hot patient, thirsty, appetite complete loss, desire avoidance nil, stool greenish and black color, urine yellow, sleep overpowering, perspiration normal. So this was history. Now the reports, investigation reports of this patient. CT brain reveals subdural hygroma with generalized cerebral atrophy. Mild to moderate generalized cerebral parenchymal atrophy, most marked in the temporal lobes. Neurosonogram. Equivocal size lateral ventricles followed of desirable to rule out hydrocephalus. Cytomegalovirus, IgG positive. USG abdomen, hepatomegaly, and bilateral renal medical disease, grade 3. CRP positive. Hemoglobin 6.1. Hypochromia, thank you.
So this is the case. Now tell me the rubrics. आप लोगों ने क्या रूब्रिक्स निकाले? First we will see the chart of seven layers miasmatic chart of suppression, disease layer and miasma. So one by one we will see disease, their layer and their miasma. Coma, it is a six layer neural plate disease, syphilis. Convulsions, six layer neural plate, soro, psychosis and syphilitic. Because वहां meningitis भी था, pyogenic meningitis भी थी, hydrocephalus भी था and convulsions, severe convulsions थे, that is the unconsciousness भी था, so syphilitic. Pyogenic meningitis, it is six layer, psychosis and syphilis. Hydrocephalus, six layer, psychosis, subdural hygroma, six layer, psychosis, cerebral atrophy, six layer, psychosis, CRF, chronic renal failure, it is four layer organ, syphilis. Hepatomegaly, it is fourth layer, psychosis. Hypoplastic anemia, third layer connective tissue psychosis and chronic osteomyelitis, it is third layer syphilis. So this is the psychosyphilitic disease, mostly syphilitic. Now tell me the analysis. पहले आप लोग बोलिए आपका एनालिसिस. क्या सिम्टम्स आप लोगों ने लिखे, देखे, ढूंढे? विल टेल एनीवन फटाफट चलो. सब बेबी इज कंटेंडेड, म्हणजे तिच्या उसकी मदर काम करती थी तो उसको डिस्टर्ब नहीं करती थी भूख के लिए. यस बेबी इज वेरी कंटेंटेड, वेरी मच कंटेंटेड, माइल्ड काम, क्वाइट काम, एक्टिव, अलर्टनेस ड्यूरिंग स्लीप. यस स्लीप मध्ये पण ती म्हणजे एकदम अलर्टनेस आहे, सेन्सरी आहे ना, सेन्सर सेन्सेस उसके अलर्ट, अलर्ट अलर्ट. यस यस. और मतलब मेंटली कैसी है? बहुत एक्टिव है ना. यस मेमोरी शार्प. और बहुत ही देखो इतना बड़ा डायग्नोसिस है लेकिन बहुत ही सिंपल केस है, बहुत ही सिंपल केस है सॉल्व करने के लिए, बहुत ही सिंपल है. ओपीएम. यस ओपीएम ओपीएम ओपीएम. यस है ना, कितना इजी है. यस फट से आ गया. कंटेंडेड पेशेंट है, हॉट है, थर्स्टलेस है ना, इतनी काई काम पॉइंट है, काम है, क्वाइट है, देन स्लीप अलर्ट है, यू नो सेंसेस अलर्ट है, मेंटली एक्टिव है, तो डायरेक्टली अपन सोचते हैं कि ओपीएम है. सर एक रिक्वेस्ट है. पेशेंट जब वो कोमा में थी ना, जब माँ ने उसको गोदी में लिया था तो आंखें क्लोज थी उसकी. यस जो आपने हाँ तो आपने जो रूब्रिक्स लिखा उसमें था हाफ ओपन आई. Yes. मैं उसका आंख ही देख रहा था शुरू से ही कि कहीं ऐसा तो है नहीं, लेकिन वहां जब गोदी में थी क्लोज था. और ये रूब्रिक क्या लेंगे, जो उसको गोदी में ली थी ना जब उसको
याद से सहला रही थी माँ उसको आपको बताते हुए, तो वो अलर्ट हो गई, वो सेंसेस आ गए उसको, उसको समझ में आ रहा था कोई टच कर रहा है। यस, यहाँ पे सेंसिटिव टू टच ड्यूरिंग अनकॉन्शियसनेस। और जब उसके ऐसा मुंह पर से हाथ घुमाया ना, तो उसकी आंखें टोटली क्लोज हो गई, लेकिन उसके ऐसे थोड़े से आंखें नीचे से ओपन थी दोनों भी। अच्छा, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली जब देखा, जब उसे लाया हमारे सामने, तब आईज वॉज हाफ ओपन, हाफ से भी थोड़ा कम। यस, तो यहाँ पे कुछ सेंसिटिव टू टच लेंगे सर रूब्रिक, वो जो कोमा में थी छूने के बाद एक्टिव हो गई, समझ गई थी, यहाँ क्या उठाएंगे? जैसे इसके पहले कोमा का केस दिखाए थे, आप लोग बताइए मुझे कि कोमा का पेशेंट अगर टच के लिए सेंसिटिव है ना, टच करते हैं और पेशेंट के चेहरे पे कुछ इरिटेशंस दिखते हैं, या फिर पेशेंट में कुछ श्रिकिंग दिखता है, कुछ तभी ऐसे चेहरे पे मूवमेंट्स दिखते हैं, तो इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। हेलो, आप कोमा के लिए तो सर एबनॉर्मल सिम्टम है ना? एबनॉर्मल, यस, कोमा का पेशेंट है, पेशेंट को इतनी पैथोलॉजी है ब्रेन में, है ना, एट्रोपी भी है, पायजेनिक मेनिनजाइटिस भी है, सर्वाइकल हाइग्रोमा भी है, हाइड्रोसेफेलस भी है, कितने मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर टच पेशेंट, टच का सेंसेशन पेशेंट को है, इट इज नॉट अ कॉमन, इट इज वेरी रेयर सिम्टम, है ना? यस, वैसे अगर आपके ड्रग पिक्चर के ऊपर से आपको समझ में आ जाएगा कि ओपीएम की केस है ना, लेकिन हम अगर केस की पूरी स्टडी करते हैं तो हमें थ्रू रूब्रिक ओपीएम मिलना चाहिए, राइट? जी जी, मिलना चाहिए, नहीं तो, है ना? यस, क्योंकि अगर हम हमारा मटेरियल मेडिकल का नॉलेज लगाते हैं, हमें पता है ओपीएम का पेशेंट इस तरह से होता है, क्योंकि कंटेंडेड होता है, काम होता है, पॉइंट रहता है, मेंटली शार्प होता है, ये क्या हो गया, ये टोटली साइकोसिस हुआ। लेकिन हमें ओपीएम पता है कि ओपीएम की केस है, लेकिन ओपीएम हमें सिपिलेटिक रूब्रिक लेके मिलना चाहिए, तो वो 100% ओपीएम है, राइट? एम आई राइट? यस, सो हम देखते हैं उसका एनालिसिस। तो शी इज काम, क्वाइट माइल्ड, क्वाइट डिस्पोजिशन, कंटेंडेड, लाइक्स राइडिंग, मेमोरी एक्टिव, प्लेफुल, चीयरफुल, अलर्टनेस, सेंसिटिव, फियर ऑफ डार्क, श्रिकिंग, कॉन्स्टिपेशन, अनकॉन्शियसनेस, कोमा, सेंसिटिव टू टच, कन्वर्जेंस, कंटिन्यूअस फीवर, स्टुल ग्रीन ब्लैक, हॉट पेशेंट एंड थर्स्टी। सो जीआईटी वाज इन सिफिलिस, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है वहां से। यस, मतलब जीआईटी हैज गॉन द डिफेंस, रीनल फेल्यूर, दैट मींस excretory system also gone his defense, mind that is brain also gone his defense, and mind also that is unconsciousness also gone his defense, hepatomegaly, right, then anemia, so itne sare problem, multi system problem, तो ऐसे कंडीशन में हमें कौन से रूब्रिक लेने चाहिए, जहां बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट डिफेंस खो चुका है, लॉस्ट हिज डिफेंस, टोटली डिस्प्रेड, टोटली डिस्ट्रक्शन, तो कौन से रूब्रिक लेंगे? तो हमें ऐसे रूब्रिक चाहिए जहां पेशेंट पेशेंट के हर ऑर्गन ने, बॉडी ने, माइंड ने, ब्रेन में अपना डिफेंस लूज किया, लॉस्ट किया, हार गए,
डिस्पेयर हो गए, डिस्परेट हो गए, तो वो रूब्रिक्स है। सबसे पहले माइंड, दैट इज अनकॉन्शियसनेस, कन्वर्जेंस भी, सेंसिटिव टू टच, ये एक होप हमें वहां दिख रही थी। और ऐसे कंडीशन में अगर हम सेंसिटिविटी लेते हैं, दैट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन जीआईटी का सिम्टम क्या था, जहां जीआईटी ने अपना डिफेंस खो दिया, स्टूल ग्रीन ब्लैकिश, फीवर जो कंटिन्यूअस था नियर अबाउट टू मंथ्स, दैट इज फीवर कन्वर्जेंस विद हॉट पेशेंट एंड थर्स्टी। सो आई हैव सिलेक्टेड दिस रूब्रिक फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स, अनकॉन्शियसनेस, कन्वर्जेंस विद, सेंसिटिव टू टच, स्टूल ग्रीन ब्लैकिश, फीवर कन्वर्जेंस विद एंड हॉट पेशेंट थर्स्टी, एंड आई गॉट ओपियम। सो इज इट राइट और रॉन्ग? बोलिए, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट सर, राइट सर। राइट बोलने में इतना टाइम लगा, दैट मींस कंफ्यूजन है आप लोगों के माइंड में कि कुछ और तो नहीं सर पूछ रहे, मतलब कुछ और तो नहीं, राइट? यस सर। सो ओपियम सिंगल डोज वाज गिवन एंड सी द फॉलो अप। Today's letter, after today's, दिख रहा है आपको वीडियो? नो सर, अभी नहीं आया। नो सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये है आपकी स्क्रीन पे, दिखा? हाँ सर। यस सर, यस सर, यस सर। आफ्टर टू डेज, हाँ, दो दिन बाद बेबी देखो फुल्ली कॉन्शियस। सुस्त बना तो चिड़चिड़ करते हैं ना, चिड़चिड़ करते हैं, झोंकने लगी वगैरह, दूध घेते व्यवस्थित कशी केली संडास? अच्छा, ते संडासचं लघवीच्या जागेवरच ते झालं चांगलं, कमी आहे, कमी आहे बा, येना म्हणत होती गोष्टी करून राहिली, चंटा आहे तशी ते किन्ना किती 51 आहे ना। दांत लगवाओ की व्यवस्था नहीं है, दवाई होती दांत की हो ये आगे आरोग्य धाम चले जाऊंगा। तो क्या देखा आपने?
इम्प्रूवमेंट आया सर पहले से काफी कॉन्शियसनेस आ गई कॉन्शियस रोने लगी कॉन्शियस एक्टिव उसकी स्वेलिंग कम हो गई पहले से यस फुल्ली कॉन्शियस ना डेट यस शी बिकम फुल्ली कॉन्शियस बट green blackish stool was there mild fever was there and mental irritability increased now the after eight kaisa activation nahi hila ha adipeksha khokla adipeksha kami zala kami zala bhala tu na adipeksha jaisi se mask hota acha sardi kami zali आणि ताप ताप म्हणजे आहे पण म्हणजे कसं कधी कमी जास्त अंग असं गरम रतळ हात डोकं असं गरम अच्छा आधीपेक्षा कसा आहे ताप आधीपेक्षा थोडा फरक पडला आणि तिचं कशी राहते ती आता चांगली राहते शांत झोपते आधी झोपत नव्हती पहिले से एकदम ऍक्टिव्ह आहे खाना पिना सुरू हुआ स्टूल नॉर्मल है और उसे कब स्टार्ट हुआ फीवर कभी कभी आ रहा है हेड एंड पाम सोल्स हॉट रहते हैं तो फीवर देखो सबसे लास्ट में गया मतलब अभी फीवर नॉर्मल हो गया तो इट इज राइट और रॉन्ग फीवर वॉज कंटिन्यूअस सिंस टू मंथ्स दैट फीवर बिकम क्रॉनिक because of pyogenic meningitis, because of osteomyelitis. Yes, pus was there continuous. That's why fever was continuous. Now fever become normal. Radna? भूक लागली म्हणजे जास्त नाही रडत आता आणि असं म्हणजे पहिले असं खूप खात होती तर एवढी अशी म्हणजे जबरदस्तीनं चालत होती बर पण तिचं खेळणं हसणं खेळणं चांगलं हसणं हसते अच्छा संडास संडास रोज करते दररोज करते संडास लगे चांगलं अच्छा काहीच नाही ते करते अभी वो पैर पूरा टिकाती नहीं बोले यस बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यस नाउ नेक्स्ट फॉलो म्हणजे असं कोणती गोष्ट सांगितली आपण तिथे की लक्षात नव्हते लक्षात राहते तिच्या लक्षात राहते अच्छा लक्षात येते तिच्या सगळं लवकर येते अच्छा चालते का पकडून म्हणजे अशी काळजी म्हणजे असं कोणती गोष्ट सांगितली आपण तिथे की लक्षात नव्हते लक्षात राहते तिच्या लक्षात राहते अच्छा तिला म्हटलेलं हात लावू नये असं खाऊ नये लक्षात मेमरी अगेन मेमरी बिकम शार्प अच्छा लक्षात येते तिच्या सगळं लवकर येते अच्छा काल म्हणतो तिने मांजर किती आलाय तर बरोबर बोटानं सांगते दोन आल्या असं म्हणजे सांगते अरे वा चालते का पकडून म्हणजे अशी काळजी पकडून पकडून चालते मनानं येते ना चालत नाही अच्छा आणि अशी पडते मग डोक्यावर पटकन तिचं बॅलन्स सांभाळत नाही सगळे ते खूप असे काढले लगेच भीते कल्ला केला की लवकर रडते भक्ती खूप आधी वस्तू अशी घेतली आपली सून घेतली ते खूप रडते अच्छा फक्त तिचं पोट असं लगेच बिघडते कधी थोडस खाण्यात फरक पडला की संडास असं म्हणजे 5-6 वेळा करते अच्छा अभी पैर पूरा टिका रही है ते असं
दे सोडन सोडन दे दे सोडन दे याद करा टाटा करूर टाटा Yes, and the last follow. काय झालं काय झालं काय झालं सांग काय झालं सांग सांग काय झालं सर्दी झाली अजून 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 काय होते तुला भाऊ झाला कुठे झाला भाऊ बाबा कुठे तुझे बाबा पप्पी आणायला गेले खेळ आणायला गेले मग संतर आणायला गेले अस अस आणि आज आबाजी कुठे आहे घरी आहे झोपले आहे आणि काका काका पण झोपले आजी कुठे आहे तुझी आजी आजी नाही आहे मामा कुठे आहेत मामा गावा गेले अजून 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 मला हे सांग तू काय काय खाल्लास चिवडा अच्छा अजून लाडू पण खाल्ला का अच्छा अजून काय नाव तुझ नाही नाही बरोबर सांग काय नाव आहे तुझ सांग सांग तुझ नाव तुझ्या पप्पाच नाव ताप वगैरे ताप असं थोडा अंगात सर्दीचा तसं ताप नसतो जेवण वगैरे आता जेवण पहिल्यापेक्षा कमी झालं तिचं अच्छा आणि डोक्यात काय फरक वाटतं तुम्हाला नॉर्मल वाटते नॉर्मल वाटते ना चालते वगैरे खेळते पोर आहेत खेळते बाहेर जाते खेळायला किती वर्ष झाली आता ही अडीच वर्ष झाली अडीचशे झाले पुढच्या वर्षी शाळेत टाका आता तिला मागच्या वेळेस मागच्या महिन्यात जेव्हा तुम्ही आले होते तिला संडास होत्या त्या संडास केव्हा बसलाय तुमची औषध घेतल्यानंतर त्याच्यानंतर आता सर्दी आली त्याच्यानंतर आता सर्दी ना आजारी पडली खाणं नाही खाऊ का बरं पायाचं काय पायाचं सुकलेलं वाटत चाय दे तू चाय चाय पिऊ का या पायापेक्षा थोडा बारीक बर तुझ्या पिछान जाते काही निघत नाही त्याच्यात ना पट्टी चट्टी आले पे बाद बनायचं आहे जल्दी नाही आहे कोणी दिस वॉज द केस इन्क्रीज्ड
the size of head become normal, osteoarthritis, osteomyelitis become normal, hepatomegaly become normal, ascites disappear, subdural hygroma disappear. जो प्रेडिक्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि इसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी रहेगी या तो फिर मेंटल रिटार्डेड होगी. नाउ यू कैन सी द पेशेंट, शी बिकम एब्सोल्युटली नॉर्मल. यस, नाउ दिस गर्ल इज नाउ स्टडिंग इन 10th क्लास. So this was the case. Yes. So any question? Yes, anyone. If you have any query, doubt, you can ask. सर केवल ओपीएम ही देनी पड़ी थी एक डोज की और फिर रिपीट करना पड़ा सिंगल डोज कोई मेडिसिन लगी सिंगल डोज ओपीएम सिंगल डोज ओके रूब्रिक unconsciousness, coma, convulsion, sensitive to touch, color, stool color, green blackish, intense heat, Celsius with convulsions. So unconsciousness, coma, convulsions with sensitive to touch, stool green, blackish fluid convulsions with hot patient and thirst. Yes, Dr. Sital Soni. Sir, मुझे ये पूछना था जब उसको patient को बाद में cough हुआ जैसे तो symptomatic या फिर बाद में कुछ change करके दिया क्या जैसे acute में अपन कुछ medicine देते? No medicine, only SL, no medicine. Okay, only single dose. नहीं मतलब जब उसे lower layer के symptoms आ रहे थे तब उसे कोई medicine नहीं दे only SL. जो सबसे पहले उसे opium का dose दिया था उसके बाद उसे medicine दिया नहीं मतलब actually opium was applied on the skin forehead. उसे orally भी नहीं दिया था only apply किया था उसके बाद एक ही बार उसे अप्लाई किया था क्लिनिक में और फिर एडमिट कर दिया मैंने हॉस्पिटल में तो उसके बाद उसे देने का काम ही नहीं पड़ा क्योंकि ओपियम इज मेंटली वेरी शार्प तो उसे पटापट रिकवरी हुई उसकी. यस ओके सर थैंक यू. यस और
opium is, it is a non-antipsychotic remedy. That's why recovery is very fast. Yes, sir. Yes, Dr. Bablu Rao. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर वो 6 मंथ तक वो एक्चुअली वो टोटली नॉर्मल थी. यस. और एकदम से जैसे उनको फर्स्टली जीआईटी प्रॉब्लम्स हुए, वोमिटिंग एंड डायरिया. यस. उसके बाद में डायरेक्ट वो 6 लेयर तक चली गई ना क्या? यस यस. इतना जबरदस्त सब, यानी कि ऐसे क्या हुआ एकदम से डायरेक्टली वो वेरी फास्ट फास्ट गई वो एकदम. लूज मोशन स्टॉक हुए, उसके सप्रेस हुए, उसके बाद उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, ऑस्टियोमायलाइटिस क्या ऑस्टियोमायलाइटिस हुआ. देन उसके बाद एक एक कॉम्प्लिकेशन, फिर जीआईटी इन्वॉल्व हुई, एक्सक्रेटरी इन्वॉल्व हुई, देन एनीमिया हुआ, देन 6 लेयर सिम्टम्स आए, सबड्यूरल हाइग्रोमा, हाइड्रोसिफेलस, एसाइटिस, लाइक दिस. सर जैसे पेडियाट्रिशियन को पहले ही डाउट था कि जैसे उसका हेड जनरली लार्ज था तो थोड़ी बहुत तो यानी कि डोमिनेंस तो साइकोसिस माइजन से ही बर्थ हुआ था क्या सर? यस यस यस. इसके कारण साइकोसिस इसके कारण थोड़ा उसे डोमिनेंट एक्चुअली साइकोसिस भी नहीं बोल सकते. डोमिनेंट उसमें सिफिलिटिक था. सिफिलिटिक रहेगा. हां सिफिलिटिक. डोमिनेंट सिफिलिटिक था, इसीलिए वो 16 से फास्ट उसका ट्रांसफर हुआ साइकोसिस में, और साइकोसिस से फास्ट हुआ सिफिलिस में. एंड साइकोटिक स्टेजेस बहुत शॉर्ट थी और सिफिलिटिक काफी लंबी. तो बहुत सिंपल केस थी लेकिन कितने सीवियर सीरियस केस थी, सीरियस पैथोलॉजी थी, राइट? It's not simple. You made it simple. No. Actually, you have presented it simple, simply. But मेरे ख्याल से किसी भी क्लिनिक में आता तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस ही थी. डर जाते ना हम पहले कि अरे बाप रे. हाँ सर. पहले तो डायग्नोसिस देखी, इतना बड़ा डायग्नोसिस, यू नो, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस. यस सर. सर. हाँ. ड्यूरिंग प्रेग्नन्सी काही हिस्ट्री नव्हती का? हे सगळं अँटीबायोटिकच्या सप्रेशनमुळे झालं का? अशा कंडिशन मध्ये ड्यूरिंग प्रेग्नन्सीची हिस्ट्री घेऊन काहीच उपयोग नाही. ड्यूरिंग प्रेग्नन्सीची हिस्ट्री तुम्हाला केव्हा इम्पॉर्टंट आहे? जेव्हा तिला काहीतरी जेनेटिक डिसऑर्डर आहे, क्रॉनिक प्रॉब्लेम आहे ना, तो सॉल्व्ह करायचा असेल तर तुम्हाला प्रेग्नन्सी हिस्ट्री इम्पॉर्टंट आहे. या कंडिशन मध्ये डॉक्टर हॅनीमनने 54 एपोरिझम मध्ये काय म्हटलंय की आधी जी कंडिशन आहे त्या कंडिशन मध्ये पीक्यूआरएस फाइंड आउट करा आणि त्या कंडिशनच्या तिला जे लाईफ रिटेनिंग आहे ते आधी बाहेर करा, राईट? तर तिला आधी इम्पॉर्टंट होत की कोमातून बाहेर काढणे. ओके सर, थँक्यू सर. अजून एक विचारायचं होतं, ब्लड इन स्टूल होत का तिला? यस. मग सर ते आपण ब्लॅकिश ग्रीन कलर स्टूल, ब्लॅकिश दॅट मीन्स ऑकल्ट ब्लड. अच्छा हा ओके सर, ते कव्हर झालं तर ओके. थँक्यू सर. सो ओके, थँक्यू व्हेरी मच. कल से हम स्टार्ट करेंगे द थेरी ऑफ गुलनबारी सिंड्रोम च कॉन्फ्लिक्ट काय असू शकतं सर? गुलनबारी सिंड्रोम
का क्या है, सिम्टम्स क्या है बताओ मेरे को सर। कौन सी सबसे पहले की कौन सी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है सर? स्टार्टेड फ्रॉम डायरिया, यस, एंड देन पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंडिंग टू अपर एक्सट्रीमिटी, देन रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, एंड नाउ यंग बॉय ही इज within 4 days he is deteriorated so badly and now he is on ventilator sir, he is in 11th standard. Yes, to dekho itna bada matlab itni systems usme involve ho rahi hai, right? Then yes. Itna fast ho gaya right, to iska matlab jo conflict hai wo related to family hai right, और सडन वायलेंट एंगर सप्रेस है क्योंकि इतना फास्ट, इतना डिस्ट्रक्शन, इतना जो भी पैथोलॉजी हुआ बिकॉज ऑफ एंगर हो सकता है। तो एंगर सप्रेस, एंगर फ्रॉम फैमिली, एंगर फ्रॉम नियरेस्ट वन, यस सर। इन हॉस्टेलाइज स्टूडेंट व्हाट वी कैन थिंक, यस, हॉस्टेलाइज स्टूडेंट के लिए होस्ट, हॉस्टल पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके लिए उनकी फैमिली क्या कौन हो जाती है? उनका कॉलेज एंड हॉस्टल, हॉस्टल स्टाफ, रूममेट्स। तो उनके साथ कुछ तभी ऐसा हुआ है जहां उनके इमोशंस, एक्साइटमेंट, एंगर सप्रेस हो गया और जहां उन्होंने पूरी होप खो दी, बिकम होपलेस। यस okay sir, yeah, so thank you very much, thank you sir, yeah, thank you, good night.